हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। होप यू गाइस आर हैविंग अ ग्रेट डे एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज हम लोग वापस से आ चुके हैं क्लैन वॉर की वीडियो लेके। एंड गाइस, ये रैंकिंग क्लैन वॉर थी जो कि हुई हमारे TDG के क्लैन के साथ, जो हमारे TDG भाई है उनके क्लैन के साथ ये वॉर थी। सो बहुत मज़ा आने वाला है गाइस, आप लोगों को वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, यहाँ पर फर्स्ट राउंड में मैप पड़ता है बॉम्बार्डमेंट। एंड हाँ गाइज, स्टार्टिंग के 6 राउंड्स हमारे क्लैन मेंबर पोकेडेक्स के प्रीव्यू से है, बिकॉज मैंने जब 6 राउंड्स के बाद रिकॉर्डिंग स्टॉप की एंड जब चेक करने गया तब वीडियो अनेबल टू प्ले वीडियो ऐसा आ रहा था, जिसका मतलब वीडियो करप्ट हो गई थी। एंड हमारे रेज भाई भी स्ट्रीम नहीं कर रहे थे, तो भाई मैं डर गया था। मैं सोचा भाई चली गई भाई रिकॉर्डिंग सब चली गई, बट पोकेडेक्स बाद में मेरे को बोला कि वो रिकॉर्डिंग कर रहा, स्टार्टिंग से रिकॉर्डिंग कर रहा है भाई। मतलब ये सुन के मेरे को भाई दिल को तसली मिली नहीं, तो भाई AZ के सारे मेंबर्स मेरी जान लेते। खैर बढ़ते हैं राउंड पे। सो गाइस, यहाँ पर 4v4 था, दोनों क्लैंस के 4-4 बंदे थे। एंड हाँ गाइस, अगर मेरी वॉइस थोड़ी लो लगे तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बिकॉज मैं पिछले 2 दिन से बीमार हूँ यार, इसलिए वीडियो भी डालने में थोड़ा लेट हो गया। चलो कोई ना, आप लोग बस गेम प्ले इंजॉय करो। सो गाइज, यहाँ पर नेक्स्ट राउंड में मैप आता है कैनन क्लाइन। एंड यहाँ पर देखा जाए तो दोनों क्लाइन के बंदे का स्पॉन अच्छा था, लेकिन यहाँ पर वुल्फ लीड ले लेता है, बट आगे चल के TDG के बंदे दोनों मतलब आगे निकल जाते हैं उससे। एंड भाई जैसे ही आगे जाते हैं उनको भाई बॉल पीछे कर देते हैं, जिससे वुल्फ वापस लीड में आ जाता है। एंड अभी वुल्फ लीड छोड़ता नहीं, एकदम ईजिली बॉल से बच के वुल्फ क्राउन भी ले लेता है। तो गाइस, थर्ड राउंड में यहाँ पर मैप आता है लॉस्ट टेंपल। एंड यहाँ पर AZ के 3 बंदे थे फाइनल में, जो कि डिसएडवांटेज था हमारे लिए। सो गाइस, यहाँ पर TDG के बंदे सबसे आगे चल रहा था, एंड उसके पीछे स्पैक्स था, बट यहाँ पर स्पैक्स हक देता है, एंड उसके पीछे चिकन और जोक भी हक देते हैं। मतलब एक बंदा हक रहा तो बाकी को भी हकना ही चाहिए, ऐसा सीन था। खैर यहाँ पर क्लियरली हमें वो पता चल रहा था कि भाई ये क्राउन तो TDG वालों का है, क्योंकि 4 बंदे आगे चल रहे थे, एंड यही होता है। सो गाइस, यहाँ पर 4th राउंड में मैप आता है लेजर ट्रेजर। एंड यहाँ पर वापस से 5v3 था, TDG के 5 एंड AZ के 3 बंदे होते हैं। मैं मतलब पता नहीं AZ वाले नशा कर रहे थे उस दिन। सो गाइस, यहाँ पर पोकेडेक्स भी होता है, तो आप लोग उसका गेम प्ले भी देख पाओगे। एंड ऑब्वियसली लेजर ट्रेजर है तो ज़्यादा वॉइस ओवर नहीं दे पाऊंगा, तो बस आप लोग गेम प्ले इंजॉय करो। I'm drowning in something and I can't come out. So show me loving, I need loving. Me, myself, ain't enough. It's like being a dog to a crushing heart. I want you to know how bad it hurts. You're keeping me sad along my heart. Oh, are you dreaming of me now? The way I do. Oh, are you dreaming?
ओके गाइस, तो यहाँ पर नेक्स्ट रूम में मैप आता है जंगल रोड एंड यहाँ पर टीडीजी वालों का स्पॉन देख रहे हो भाई, मतलब इतना खतरनाक स्पॉन है, नेजर वालों का स्पॉन ही नहीं था। तो आगे यहाँ पर टीडीजी का एके फैन लीड में चल रहा था, बट यहाँ पर पता नहीं इसके साथ क्या होता है भाई, स्कैम होता है, हक देता है भाई। सो वुल्फ यहाँ पर वापस से लीड ले लेता है एंड उसके पीछे होता है टीडीजी वाटर। अभी बस वुल्फ को हकना नहीं था, बिकॉज अगर वुल्फ यहाँ पर हक देता तो भाई काम खत्म था, मतलब ये क्राउन टीडीजी के वालों का होता था। बट यहाँ पर वुल्फ भाई एकदम कॉन्फिडेंस में हाँ वाला इमोट कर रहा है भाई, मतलब उसको पता कि वो हगने वाला नहीं है एंड वैसे ही होता है भाई, एकदम एकदम मतलब स्मूथली यहाँ पर वुल्फ क्राउन ले लेता है भाई। वुल्फ क्या ही खेल रहा है, वुल्फ ओपी इन द चैट कर दो। ओके गाइस, तो यहाँ पर वापस से मैप आ जाता है लेजर ट्रेजर एंड इस बार 4v4 था। यहाँ पर एजेड से रैपिड था, पॉकेट एक्स था, वुल्फ था और रेक्स था एंड यहाँ पर टीडीजी से इनसेन ड्रेकोल वाटर और नोबी खेल रहे थे। एंड भाई दोनों को पता है यार, लेजर ट्रेजर यार कहीं क्या ही वॉइस ओवर डालूंगा भाई, ये यहाँ से कूद रहा है, वो वहाँ से कूद रहा है, ये लेजर से बचिए, अब लेजर से नहीं बचेगा, कितने टाइम तक होगा भाई, मतलब एकदम अजीब लगता है यार। तो बस आप लोग ये गाना और गेम प्ले इन्जॉय करो। सो गाइस, यहाँ पर नेक्स्ट राउंड में वापस आता है अपना लॉस्ट टेम्पल एंड यहाँ पर आगे चल के भाई रिक्स क्या ही लगता है। ओके, सो यहाँ पर आगे फिलहाल टीडीजी नोबी होता है एंड उसके पीछे होता है टीडीजी इंसेन एंड उसके पीछे एजेड के चार बंदे होते हैं। यहाँ पर भाई दोनों के दोनों टीडीजी के बंदे मतलब लीड खो बैठते हैं एंड एजेड के बंदे यहाँ पर लीड ले लेते हैं लिटरली। एजेड सत्या रेक्स फायर जोड़ा और रैपिड चल रहा था, रैपिड खेला खैर पीछे रहता है एंड गाइस यहाँ पर देखो मतलब सत्या से क्या ही गंदा बॉडी हो जाता है भाई, जिससे रेक्स भी गिर जाता है। खैर भाई फायर जोड उनसे दूर था तो बच गया भाई फायर जोड ने, तो ये वाला क्राउन टीडीजी को जाता था बट कोई ना यार, मिल गया ये क्राउन एजेड का हो जाता है। तो क्या पर नेक्स्ट राउंड में मैप आता है अपना सुपर स्लाइड एंड सुपर स्लाइड बोले तो भाई अपने एजेड का रैक्स एंड सोल बहुत ही खतरनाक खेलते। खैर सोल नहीं खेल रहा था क्योंकि सोल का भी उस दिन गेम प्ले इतना सही से नहीं हो रहा था, तो वो सब्स्टिट्यूट में बैठा था। तो यहाँ पर टीडीजी ड्रेकोल, यहाँ पर ड्रेकोल भाई थोड़ा सा हक देता है ट्रिक के मामले में एंड उसका ही फायदा उठा के एजेड फ्लाइंग पास जो कि अपने एजेड के डेडमैन है वो एंड रेक्स लीड ले लेते। तो भाई ऑब्वियस बात ही, अगर यहाँ पर डेडमैन हकता था तो रेक्स तो हकता ही नहीं था, मतलब कोई चांस ही नहीं था। सो वैसे ही होता है, दोनों के रनर नहीं हकते एंड ये वाला क्राउन हो जाता है अपने टीम एजेड का। सो गाइस, यहाँ पर लास्ट राउंड में मैप पता है वापस से लॉस्ट टेबल एंड इस बार सोल खेल रहा था बिकॉज अभी पॉइंट थे 5-3 एंड सोल बोला था कि भाई लास्ट राउंड में खेलने का क्या पता लास्ट विन मैं ले लूँ। सो ऐसे ही सीन मेरे को लग रहा था बिकॉज सोल यहाँ पर लीड ले लेता है, पहले टीडीजी का बंदा था बट उसके साथ हो जाता स्कैम एंड सोल यहाँ पर मतलब लीड छोड़ता ही नहीं। तो मैं यहाँ पर वही सोच रहा था कि भाई काश लास्ट विनिंग क्राउन सोल का हो एंड वैसे ही होता है भाई, मतलब देख रहे हो मेरे को हर बार में यही सोचना चाहिए भाई, अगर सोच के मुताबिक हो रहा है तो यही सोचना चाहिए एंड यहाँ पर सोल अपनी जानी मानी ट्रिक से ये वाला क्राउन ले लेता है एंड इसी के साथ अपनी टीम एजेड यहाँ पर वॉर जीत जाती है टीडीजी के अगेंस्ट। सो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इंडियन रैंकिंग क्लैंस में तो यहाँ पर फिलहाल अपनी एजेड चल रही थी सेकेंड रैंक पे एंड अपने साथ होती डी आर, सो फर्स्ट पे ईएक्स होती, सेकेंड रैंक पे थी एजेड एंड डी आर। तो अगला वॉर होपफुली एजेड वर्सेस डी आर होने वाला था।
देखते हैं यार क्या कैसे खेलेंगे हमारे बंदे। ऑल्सो गाइज, अगर आप लोग लाइक अगर आप कोई क्लैन चला दो या फिर आप कोई क्लैन के लीडर हो एंड आप लोग एजेड के साथ फ्रेंडली वॉर करना चाहते हो, तो गाइज मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड का लिंक दे रहा हूँ, फटाफट से डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो। एंड डिस्कॉर्ड ज्वाइन करने के बाद जो हमारे मॉड्स हैं डिस्कॉर्ड सर्वर के, उनको टैग करके पूछो, उनको बोलो कि भाई हमें एजेड से फ्रेंडली वॉर करना है, तो वो कैसा क्या मतलब सब कुछ स्केड्यूल वगैरह आपको बता देंगे, आपको इन्फॉर्म कर देंगे। सो यार भाई, दिस वॉज इट फॉर टूडेज वीडियो एंड आई एम सो सॉरी यार, मेरा आवाज़ बहुत ही लो लग एकदम मतलब लो लग रहा है क्योंकि भाई नहीं यार बीमार हुआ है, बट फिर भी आप लोगों के लिए मैं वीडियो डाल रहा हूँ। प्लीज़ आप लोग उसके लिए एक चीज़ करो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, नॉट एक चीज़ तीन चीज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ये तीन चीज़ कर दो यार, मतलब भाई दिल से सुकून मिलेगा। ठीक है, सो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट एंड सायोनारा।